सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। नवरात्रि के 9 दिन जहां हम प्रतिदिन अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, वहीं कई जगहों पर टोटका कराने का भी प्रचलन है। ऐसे टोटके लोग इसलिए करते हैं क्योंकि घर परिवार या किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल सके। नवरात्रि में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों में टोटके कराने की भी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में यदि टोटके किए जाएं तो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। आइए आज हम भी आपको बता रहे हैं नवरात्रि के आखिरी दिनों में किए जाने वाले ऐसे टोटकों के बारे में, जिससे आपकी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी को आप किसी एक खाली या शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और यह साधना काल तक जलते रहने चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्री यंत्र रख लें। इस श्री यंत्र का कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। इस पूरी क्रिया के बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब इस श्री यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित कर दें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको जल्द ही अचानक धन लाभ होगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही और आप इससे परेशान हैं, नवरात्रि के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली सफटिक की माला रख दें और इस पर केसर और इत्र छिड़क कर माला का पूजन करें। माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम हिंग वागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा मंत्र का 31 बार जाप करें। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको जब भी किसी इंटरव्यू में जाना हो या किसी से मिलने जाना हो तो इस माला को पहन कर जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही इंटरव्यू और अन्य कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसके लिए नवरात्रि के आखिरी दिन किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब महादेव जी की चंदन, पुष्प और धूप दीप से पूजा अर्चना करें। उसी दिन रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 बार आहुति दें। अब 40 दिन तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी। यदि पति पत्नी के बीच या घर परिवार में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ये उपाय आप नवरात्रि के आखिरी दिनों में करें। नवरात्रि के अंतिम दिन स्नान करने के बाद सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति दें। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोजाना सुबह उठकर पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करें। यदि संभव हो तो अपने परिवारजन से भी इस मंत्र का जप करने के लिए कहें। इससे जीवन भर परिवार में मधुर संबंध बने रहेंगे। वहीं अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टाय लाभाय चह पंती मे देहि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का माला जप करें। जप 3, 5 या 10 बार करें। जप के पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें।
इस मंत्र के प्रभाव से जल्द ही विवाह के आसार बन जाते हैं। तो इन सारे उपायों को नवरात्र के आखिरी दिनों में करें और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।